जनपद हापुड़ के सदर विधायक विजयपाल आरती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा व आदेश के अनुसार अपने विधानसभा की जनता की समस्याओं को रोजाना सुना करते हैं व तत्काल प्रभाव से उन समस्याओं का निस्तारण भी करते हैं, जिसको देखते हुए जनता भी सदर विधायक विजयपाल आरती से बहुत ही प्रभावित है और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सुबह ही उनके यहाँ पर जनता दरबार में पहुँच जाते हैं। सैकड़ों लोग रोजाना अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सदर विधायक विजयपाल आरती के पास आते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को बताते हैं, जिसे विजयपाल सिंह आरती उनकी समस्याओं को सुनते हैं और तत्काल प्रभाव से उसे समस्या का निस्तारण भी करते हैं। मुख्यमंत्री जी की राह पर चलते हुए आप रोज जनता दरबार लगाते हैं, तो जनता दरबार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रोज की 9 बजे से 1 बजे तक अपने कार्यालय पर बैठता हूँ और जो जनता की समस्याएं होती हैं, चाहे वो किसी भी अधिकारी के उनकी समस्याएं हैं, चाहे तहसीलदार की हो, चाहे SDM साहब की हो, चाहे DM साहब की हो, चाहे SP साहब की हो, चाहे कोई सिखाने की भी हो, मैं उन्हें तुरंत उन समस्याओं को, जिनकी भी जैसी भी समस्या होती है जिस अधिकारी की, उन अधिकारियों को मैं अवगत करवाता हूँ और वो समस्या हल होती है। तकरीबन कितने फरियादी आपके दरबार में डेली आ रहे होंगे? आपने खुद देखा होगा कि रोज की 200-300 जो क्षेत्र के हमारे आदमी हैं समस्याएं लेकर आते हैं मेरे पास में, 200-300 लोग रोज की आ जाते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम मंगल सिंह है, ग्राम महमूदपुर का रहने वाला हूँ। क्या समस्या लेकर आए थे आप विधायक जी के पास? गांव में हमारे में कुछ खंजा है लगा हुआ, हम चाहते हैं वहाँ CC बन जाए, उसके लिए आए थे विधायक जी से बात करने। क्या आश्वासन दिया विधायक जी ने आपको? विधायक जी ने कहा है लगवाएंगे तुरंत, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में लग जाएगा, शासन को भेज रहे हैं क्योंकि बड़ा काम है, लग जाएगा, हमें उम्मीद है लगता विधायक जी करा देंगे काम। कैसा कार्य कर रहे हैं विधायक जी अपने क्षेत्र में? बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। आप विधायक जी के पास में क्या समस्या लेकर आए थे? समस्या लेकर आए थे, हमारे गांव में बीज गांव में 50 घर पानी भरते हैं, उसमें जो हैंडपम्प के लिए प्रधान से कई बार अवगत कराया चुका है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो हम हैंडपम्प ठीक कराने के लिए विधायक जी से। तो विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया है? विधायक जी ने DPRO को फ़ोन करा है, तत्काल ठीक करा। तो विधायक जी कैसा कार्य कर रहे हैं? विधायक जी का बढ़िया रहा है।